जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चर को फिलअप करने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का परेशानी हम लोग को मिल जाता है, जो कि नहीं हो रहा लॉगिन दोस्तों। राशन, जो कि दोस्तों मेरा राशन 2.0 लॉगिन नहीं हो रहा आधार नंबर से, कैसे करना है इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो चलते दोस्तों नो टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे, जो कि यहाँ पे आपके आधार नंबर और कैप्चर डालने के बाद दोस्तों लॉगिन पर जिस प्रकार क्लिक करते हैं तो इस तरह का परेशानी हम लोग को आता देखने को। तो कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले। तो चलते दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर जिस प्रकार आधार नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद कैप्चर को फ्लिप करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग कैप्चर को सही से फ्लिप कर लेना है। तो यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आप लोगों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसको ठीक कैसे करना दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे आप जिस प्रकार इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना, अपने आधार नंबर में चेक करना दोस्तों कि आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर ऐड है कि नहीं। अगर ऐड नहीं है तो आप मेरा राशन 2.0 को लॉगिन नहीं कर सकते आधार नंबर से। जी दोस्तों, अगर आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर ऐड है तो आप ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं, और ऐड नहीं है दोस्तों तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें इस तरह का ऑप्शन आ गया दोस्तों कि आपके मोबाइल नंबर रहेगा आधार लिंक तो दोस्तों कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरह आप पहले आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिएगा, उसके बाद आपको इस ऐप्स को लॉगिन कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।